बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो माय डियर सिस्टर, वेलकम बैक टू माय एंड अदर वीडियो। सूट से आपको नज़र आ गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में। काफ़ी मतलब सिस्टर्स ने इस ड्रेस के बारे में मुझसे पूछा है कि ये ड्रेस कैसे कितने का है, इसकी प्रॉपर हमें वीडियो शेयर की जाए, इसका साइज़, इसका फैब्रिक, हर चीज़ आप बताएं। ये देख लें, ये ड्रेस आपके सामने डिस्प्ले है। मैं अभी इसको बेड पर फैला के आप लोगों को मतलब बताती हूँ कि इसका मतलब साइज़, एवरीथिंग जूम करके एक एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देख लें, इसका दुपट्टा मैंने सर पर किया हुआ है। अभी तो फिलहाल मेरे थोड़ा सा लाइट मेकअप करके इसको किया है, कितना नाइस लग रहा है ये सर पर करने के, कितना नाइस लग रहा है। अगर कोई प्रॉपर जूड़ा करेगा, वेडिंग पर पहनेगी तो बहुत लाइक नाइस लगेगा और बहुत अच्छी प्राइस में मिलेगा। इसका दुपट्टे का फैब्रिक ये वाला है, देख लें, ये प्योर बेम्बर शिफॉन का इसका फैब्रिक है। नीचे इसका ये देख लें पलटा लगा हुआ है, बेबी पिंक जो कि इसके अंदर भी है, हल्का का टच है वो लगा हुआ है। और ये देख लें आगे इसकी ये देख लें, ये किरण है और माशाल्लाह से 3 मीटर का ये दुपट्टा है। ओके, इसके अलावा मैं अभी आपको इसको बेड पर फैला के भी बताती हूँ, उसकी प्रॉपर एक एक चीज़ डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका साइज़ क्या है और इसका फैब्रिक क्या है, इसके ऊपर काम कौन सा हुआ है। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ, आप लोगों को दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इसका फैब्रिक और एवरीथिंग। ओके, ये देख लें, इसको मैंने अभी स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। ये ऐसे इसकी लुक है, हैंग की हुई, ये देख लें ऐसी है, ये ऐसा इसका लुक है। ओके, और बिल्कुल जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहा है वैसे है, साथ इसकी शलवार है। ओके, इसके अलावा ये देख लें प्रॉपर, मैं आपको इसकी एक एक चीज़ डिटेल बताती हूँ। ये देख लें ऐसे इसकी मतलब, ये रॉ सिल्क आई थिंक इसको यही बोलते हैं, मुझे फैब्रिक का इतना अच्छा कन्फर्म नहीं है, ये सिल्क टाइप ही है कुछ। ये देख लें इसकी बाजू प्रॉपर, और हाँ ये देख लें इतने नीचे से, ये देख लें ऐसे ऐसे इसका है माशाल्लाह से। लॉन्ग शर्ट है इसकी, 40 तक इसकी लेंथ है नीचे, और ये देख लें प्रॉपर लाइक इसका काम, और ब्लू कलर है इसका, और इसके ऊपर प्रॉपर ये सारा स्टोन वर्क हुआ है। ये देख लें इसका ये वाला, एंड इसके मैं बताती हूँ अंदर इसका, ये ऐसा इसका पैपिंग हुई हुई है। नीचे इसका मलमल का कपड़ा लगा हुआ है ताकि बंदा कंफर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें इसकी ओवरऑल लुक, जो कि आप लोगों को आप सही क्लियर नज़र आ चुकी होगी। ओके, अभी मैं इसके दुपट्टा भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लें इसके ऊपर दुपट्टा मैंने इसके ऊपर रखा है, इसका दुपट्टा ऐसा है, ये देख लें पलटा लगा हुआ है पिंक कलर का, ये इसका ये टच इसके साथ आ रहा है। और ये देख लें ये किरण से लगी हुई आगे। ओके, और प्योर शिफॉन का इसका कपड़ा है। ये देख लें हल्का हल्का ये एक मतलब छट्टा लगा हुआ है इसके अंदर, ये देख लें इसका दुपट्टा। ओके, इसके नीचे इसके शलवार है, अगर आप लोग ट्राउज़र बनाना चाहते हैं ट्राउज़र भी बन जाएगा। ओके, ये देख लें, ये देख लें, आई थिंक आपको समझ ईजीली समझ आ गया होगा इस ड्रेस के बारे में। मैं दिखाती हूँ, ये देख लें ऐसे है, 3 पीस कम्प्लीट। ये देख लें, ये ड्रेस नंबर 2 है, बहुत मज़े का है। ये देख लें ऐसे बिल्कुल ही अच्छे वीडियो में नज़र आ रहा है, ऐसा है। और ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है, ये मैं आपको प्रॉपर डिस्प्ले खड़ा करके आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी लुक देख लें ऐसी है, बहुत मज़े का। और ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, साथ इसके भी शलवार है। ओके, और ये देख लें प्रॉपर इसका काम, देख लें प्रॉपर, मैं जूम करके आप लोगों को काम दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं हुई हुई, बिल्कुल ऐसे हैं कि आप बिल्कुल आराम से वेडिंग में रख सकते हैं, बरी में अगर किसी के रखना चाहते हैं बरी में भी रख सकते हैं। ये जस्ट अलमारी में मैंने ऐसे रखा है, इस वजह से इसे सल्टे पड़ी हुई हैं, न्यू तो बिल्कुल 10/10 कंडीशन, बिल्कुल ऐसे है कि न्यू है। ये देखने इसका दुपट्टा, ये भी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखने इसका काम, बिल्कुल कोई काम इधर से उधर नहीं हुआ। ये देखने इसको भी ऐसे ही पलटा लगा हुआ है, ये ऑर्गेन्जा इसका, इसका दुपट्टा भी बहुत मज़े का। ये देखने इसके नीचे ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, और ये भी 3 पीस कंप्लीट है, और 20x21 इसके चेस्ट साइज है। ये देख लें, ये ड्रेस नंबर 3 है, इसके बारे में भी काफ़ी पूछा गया था। ये भी देख लें इसकी कंडीशन ऐसी है, बिल्कुल ऐसी के लाइक न्यू, इट्स लाइक न्यू, ये यूज़ नहीं है, बिल्कुल 10/10 कंडीशन में। ये प्रॉपर जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वर्क भी आप देख लें ऐसा वर्क हुआ है इसका। ओके, ये ऐसा है, ये भी ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है, आजकल पता है ऑर्गेन्जा यूज हो रहा है। ये नीचे इसका दामन देख लें ऐसा है, और ये भी 3 पीस कम्प्लीट है, इसका दुपट्टा थोड़ा डिफरेंट है, और ये 3 पीस कंप्लीट है, इसके नीचे भी शलवार आपको मिलेगी। ओके, ये देख लें, ये ड्रेस नंबर 4 है, ये देख लें, ये स्मॉल साइज़ में, ये देख लें यहाँ, ये पिंडी से बनवाया था, ये इसके सेंटर का नाम लिखा हुआ है, ये ब्रांड्स का है, कंपनी का। ये देख लें इनर इसका प्रॉपर नीचे तक शॉर्ट्स में है, ये स्टाइलिश सा है थोड़ा सा इनर स्टाइल, नीचे इसका काम हुआ है, ये ऊपर इसका कोट है नेट का। ये देख लें नेट का फैब्रिक इसका बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल आराम से आप
आप वेडिंग पर पहन सकते हो। नीचे सैम्स का ट्राउज़र है, ऐसा इसके पांचों पर काम हुआ है। इसके साइड नेट वाला ये दुपट्टा है क्रश वाला जो के है ये ऐसा, ये देख लें ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सही तरीके से समझ आ गई होगी इन ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल से आप लोगों को बताया कि ये कैसे है, क्या काम किया है, फैब्रिक क्या है, फलां फलांग सारी डिटेल आप लोगों को बताई है। तो इन ड्रेसेस को मैं आपको बताती हूँ कि मैं संभाल के कैसे रखती हूँ। मैं प्रॉपर इस तरह के मेरे पास बैग्स होते हैं, ये जो होते हैं ना मार्केट्स में मिलते हैं, ये ब्रांड्स के अंदर मिलते हैं, ये देखिए इनके अंदर मैं ड्रेसेस जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं इनके अंदर मैं हैंग करके फिर विड्रॉ के अंदर रखती हूँ, ताकि कपड़ा एक दूसरे के साथ उलझे ना, इसका काम भी ना ख़राब हो और लॉन्ग लास्टिंग ये चलते हैं। इनको आप यूज़ करने के बाद इनको प्रॉपर आयरन लाइक वो स्टिंग वाली एक आयरन से मिलती है वो किया करें। उनके बाद इस तरह के रैपर लाइक बैग्स मिलते हैं इस तरह के, आप इस तरह कर भी आप फोल्ड कर सकते हो। ये फ्रंट ये देखने ऐसा लगा होता है ना शीशा पेपर, वो इसके सामने इसका स्टाइल में डिज़ाइन समझ जा रहा होता है। ऐसे करके आप इसके साइड्स पर ये जिप्स लगी हुई इसके अंदर डालकर फिर आप अपनी वॉर्डरोब के अंदर इनको संभाल के रखा करें, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी, आपको मिलेगी। खाड़ी से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है, बच्चों की शॉपिंग की है, जैसे वो पार्सल मुझे रिसीव होते हैं आपके सामने इनबॉक्सिंग करूँगी। देखते हैं क्या निकलता है, क्या फिर जो सच रियलिटी है वही आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, जो ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा है उसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।